कि आप किस तरह से ले सकते हैं इसको, ये देखिए इस तरह से हाथ से आप उठा के इसको ले सकते हैं। और इसको मैं पैक करने का तरीका भी बता दूं कि आप इसको रैप भी कर सकते हैं ताकि आप पिकनिक पार्टी वगैरह पे अपने साथ इसको रैप करके ले जाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और मैं आपको सैंडविचेस की रेसिपी दे रही हूँ जो आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों के लंचेस में भी दे सकते हैं और अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए भी फटाफट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से सैंडविचेस हैं। चले जल्दी से मैं आपको इंग्रेडिएंट मैंने तैयार करके रख लिए हैं ताकि कम से कम टाइम लगे और जल्दी से मैं ही आपको रेसिपी बताती हूँ कि मैं ये सैंडविचेस किस तरह तैयार करती हूँ। तो चले काम शुरू करते हैं। सैंडविचेस बनाने के लिए वेजीज मैंने तैयार करके रख ली हैं और ये देखिए तमाम वेजीज तैयार हैं और इसमें जो जो वेजीज डालनी है मुझे, मैंने वो आपको डालती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। चॉप करके मैंने रख ली हैं और फुल बॉयल एग मैंने लिए हैं 4। ये डिपेंड करता है कि आप कितने सैंडविचेस बना रहे हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बॉयल एग्स को चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करूँगी मैं, मुनासिब साइज का बनाऊँगी। दिखाती जाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमने ये गाजर जो है ये मैंने ग्रेट करके रखी है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेते जाएंगे ताकि हमें पता अंदाज़ा रहे। ये मैंने कैरेट जो है ये ग्रेट करके रखी थी, कैरेट ले ली। ये कैबेज जो है ये भी मैंने बारीक चॉप करके रखी थी, ग्रेट नहीं की है मैंने, बारीक काट के रखी है। ग्रेट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अच्छा मैं ये देखना चाहती हूँ कि कितना कितना। अच्छा ये ग्रीन चिली है, अगर आपके पास ग्रीन चिली का पिकल है तो वो बहुत अच्छा है। मेरे पास इस वक्त था नहीं तो मैं ये ग्रीन चिली ऐसे ही काट के बारीक काट के डाल। और अगर आप ये सैंडविचेस बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल ग्रीन चिलीज नहीं डालिएगा। मैं तो बच्चों के लिए नहीं बना रही तो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये ऑलिव थे मेरे पास, ये मैंने बारीक कट करके रख लिए हैं। ये पिकल था क्यूकम्बर का, तो ये मैंने ये सारा डालूंगी क्योंकि ये बहुत मजे का लगता है सैंडविचेस में, ये बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मेरे पास ये बेल पेपर थी ऑरेंज वाली, ये भी मैंने बारीक काट के रखी है। ये रेड है, ये भी मैंने थोड़ी सी बारीक काट के रखी है, हाफ से भी कम है। ये मैंने तीनों बेल पेपर जो हैं ये, क्योंकि कलर भी आता है और इसका थोड़ा सा अच्छा भी लगता है जायका, तो ये तीनों बेल पेपर मैंने काट के इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके रखी। अभी अभी थोड़ी सी कैबेज, कैरेट और चिलीज अभी मैंने उठा ली हैं क्योंकि अगर हमें लगेगा कि थोड़ा सा हमें ज़रूरत है तो हम इसमें मिक्स कर देंगे, वरना हम इतना ही सामान से अपने सैंडविच का बैटर जो है वो तैयार कर लेंगे। इसमें से बड़ी मज़े मज़े की खुशबुएं आ रही हैं क्योंकि सारी वेजीज और ये पिकल्स वगैरह की। अब हम इसमें ये जो हमने चॉप करके रखे थे फुल बॉयल एग, ये भी हम शामिल कर देंगे। उसके साथ इसको बनाने के लिए हमें ये मेयो के अंदर, मैं बनाती हूँ तो मेयो ही के अंदर सैंडविचेस का ये बैटर तैयार किया जाता है। तो ये मैं देखिए एक और ये दो तो इसमें ऐड किया है अभी। उसके साथ ये मैं सॉल्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, ये व्हाइट पेपर है टू टेस्ट,
ये ब्लैक पेपर है, ये मेरे पास रेलिश है क्यूकम्बर की, तो ये भी मैं थोड़ी सी डालती हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून से, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हमने रेलिश भी डाल दी। उसके साथ बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल मत डालिएगा, अगर बड़ों के लिए है तो आप डाल सकते हैं। इसी से मैं कर लेती हूँ, देखिए सराचा भी तकरीबन 1 टेबल स्पून। उसके बाद ये मेरे पास थाई स्वीट है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। और थोड़ा सा पिकल जूस डालना होता है, तो आप क्यूकम्बर का पिकल है आपके पास कोई भी है तो ये मैं इस वक्त ऑलिव्स का थोड़ा सा जो है ये पिकल जूस डाल रही हूँ, थोड़ा सा ऑलिव का, ये थोड़ा सा सॉल्टी होता है तो ये मैं डाल रही हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, मेयो इतनी डालिए कि जितना ये इसको पूरा इसके साथ मिक्स हो जाए, एक्स्ट्रा मेयो नहीं होनी चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा हो। ये देखिए बड़ी अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और जाएगा और थोड़ा सा सॉल्ट। मैं इसमें ये चीज कैरेट के अलावा ये सब ऐड कर रही हूँ, कैरेट नहीं कर रही बल्कि ये ऐड कर रही हूँ। कैरेट से बहुत ज्यादा रेड हो जाता है, ये देखें रेड नजर आ रहा है ना आपको, ये देखिए। बनाने के लिए मेरे पास ये व्हाइट ब्रेड है, नॉर्मल साइज की ब्रेड है, कोई सैंडविच ब्रेड नहीं है कि साइज बड़ा हो। आप कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड यूज कर सकते हैं आप, सैंडविच वाली बड़े साइज की ब्रेड यूज कर सकते हैं, और आप इनकी जो ये क्रस्ट है इसे भी आउट कर सकते हैं। मैं नहीं करूँगी, आप चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो बंजेदार सा हमने ये बैटर बनाया है सैंडविचेस का, ये बहुत ही टेस्टी है। अच्छा, रेड इसलिए हो गया है कि वो कैरेट का कलर जो था ना, वो ग्रेट करने की वजह से कैरेट अपना कलर थोड़ा सा छोड़ देती है। तो ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर इस तरीके से फिलिंग रख दी सैंडविच की, आप इसे फिलिंग कहें, बैटर कहें, जो भी कहें, और बहुत मज़ेदार ये है। उसके बाद हमने इसी तरीके से ये दूसरा रखा, ये मैं आपको पार्टी के लिए बना के दिखा रही हूँ कि जैसे पार्टी में सैंडविचेस बनते हैं, वरना तो आप सिंगल लेयर पे भी काम चला सकते हैं, तो पार्टीज वगैरह में इस तरह के अच्छे लगते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी है, जायका भी है, और मज़ेदार से सैंडविचेस तैयार हो रहे हैं। अच्छे तरीके से आपने प्रेस करना है। चूल्हा मेरा दूसरी तरफ जो है, मैंने ग्रिल पैन रख दिया है, मैं दिखाऊंगी कि वो मैंने क्या किया है। अभी हम इसको कट नहीं करेंगे, अभी ये मेरे पास क्रूसॉन भी है, इसको हम अब आप इसमें भी बना सकते हैं, और इसमें भी बहुत मज़ेदार बनता है। पार्टी वगैरह के लिए आप इसको फुल ना खोलें, फुल चाहे तो फुल खोल लें, वरना इस तरह से इसको आप करें। और ये देखिए, ये मैंने उठाया, ये बीच में से कट किया, इस तरीके से ये मैंने इसकी फिलिंग, ये देखें उठा के इस तरीके से मैं आपको दिखाती जाती हूँ, पॉकेट सी बना के इस तरह से फिलिंग जितनी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत मज़ेदार फिलिंग है, ज़्यादा भी हो तो चलेगा। अगर ये देखिए इतने मज़ेदार सैंडविचेस, अब इसको आप आराम से जो है वो उसको बंद कर लें। इस तरीके से ये हमारे सैंडविचेस, अब मैं आगे दिखाती हूँ, इसको भी बना लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं साथ में, बहुत ही मज़ेदार से सैंडविचेस। ये देखिए मैंने कट किया इसमें, बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो प्लीज ग्रीन चिलीज ना डालें,
ये मैं बच्चों के लिए नहीं बना रही अभी, तो मैं ये मैंने इस्तेमाल कर ली, आप लोग ना डालें। बाकी सब चीज़ें सेफ हैं बच्चों के लिए, सिवाय ग्रीन चिलीज के वो फिर बच्चों को अच्छा नहीं लगती। तो ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ग्रिल मेरा ऑन मैंने कर दिया था। अब मैं इस पे हल्का सा इसको टोस्ट कर लूँगी। ऑयल वग़ैरह मैंने कुछ नहीं डाला है, तो अब ये थोड़ा सा जब बन जाएगा, इसी तरह एक क्रोसॉन्ट का भी बना लेके दिखाऊंगी आपको, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं सिर्फ दिखा रही थी कि मैंने ये रख दिया है इस तरह से बनाने के लिए। ये देखिए, ये देखिए एक तरफ से ये थोड़ा सा टोस्ट हो गया है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। देखिए मैं इनको, ये दोनों सैंडविचेस को, इसको भी और इसको, मैं ग्रिल करके लेके आ गई हूँ। और देखिए कितने ज़बरदस्त ये सैंडविचेस लग रहे हैं। अच्छा, क्रूसॉन वाले का तो मैं हाफ़ नहीं करूँगी, मगर जो ये वाला है ब्रेड वाला, इसको मैं हाफ़ करके आपको दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरह से हाफ यूँ भी कर सकते हैं और हम इसको डायगनल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए बड़े मज़े से ये हाफ हो गया। इस तरीके से ही आप अपने पार्टी सैंडविचेस जो है वो तैयार कर सकते हैं। एक छोटा भी बना लेते हैं, छोटा भी बना के, कि अगर आपको छोटे सैंडविचेस बनाने हो। ये देखिए इस तरीके से, छोटा सैंडविच भी तैयार हो गया, मज़ेदार छोटा। अब इसको भी ग्रिल कर लेते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार सैंडविचेस झटपट में बन गए। अगर आपके पास इंग्रेडिएंट तैयार हैं तो बहुत जल्दी आप अपने गेस्ट को ये सर्व कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं स्कूल के लिए, और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ जो ये बैटर है, इसको आप कवर करके रख सकते हैं और दूसरे दिन भी आप अपने सैंडविचेस को इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ मैं आप कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं इसके साथ, सैंडविचेस के साथ। और आज मैं ये सैंडविचेस के साथ आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे पास है हेज़ल नट लाटे, तो ये कोल्ड कॉफ़ी है, तो ये मैं बना रही हूँ। मैंने मग में पहले ही आइस ले ली है, तो ये सैंडविचेस के साथ शाम में बहुत मज़ेदार ये कॉफ़ी तैयार हो जाती है। तो ये देखिए इसको कुछ भी नहीं करना, बस मैंने निकालना है, इसको पोर करना है और मज़ेदार लाटे तैयार है। तो ये लाटे भी तैयार हो गया, चाय अगर आप पीना चाहें। मैं इसको सर्व करके भी दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से ले सकते हैं इसको। ये देखिए इस तरह से हाथ से आप उठा के इसको ले सकते हैं। और इसको मैं पैक करने का तरीका भी बता दूँ कि आप इसको रैप भी कर सकते हैं, ताकि आप पिकनिक पार्टी वगैरह पे अपने साथ इसको रैप करके ले जाएं। तो बहुत मैं रैप करके भी दिखा देती हूँ। ले लिया, उसके साथ आपने ये सैंडविचेस को पिक किया, फुल ही ले लिया, हाफ करना चाहें हाफ, इस तरह से आपने सैंडविच को पिक किया। आपने इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको आपने आपका मज़ेदार सैंडविच ये पैक भी हो गया। आप पार्टी पे भी ले जा सकते हैं, आप अपने पिकनिक पे भी ले जा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। की मेरी मज़ेदार सैंडविचेस की रेसिपी देखिए किस तरह से मैंने इसको पार्टी पैक भी आपको करके दिखा दिया, कि आप जितने भी सैंडविचेस बनाते हैं उसे आप इस तरह से पैक भी कर सकते हैं। और ये मैंने क्रूसॉन में मज़ेदार सैंडविच भी आपको बना के दिखाया, ग्रिल भी करके दिखाया कि आप इसको किस तरह से ग्रिल करके ये मज़ेदार सैंडविचेस आप इंजॉय कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी रेसिपी आज की आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी अच्छी मज़ेदार रेसिपी में आपसे मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।